सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोलर है 4D8R, ठीक है। इसमें क्या है, हमने जो कस्टमर बोलते हैं कि मुझे इसमें इंटरलॉकिंग चाहिए, तो इंटरलॉकिंग के कनेक्शन हमने कर रखे हैं, चार लॉक हमने इसमें कनेक्ट कर रखे हैं जो हमारे सिंपल लॉक के कनेक्शन होते हैं। एक इसमें नया चीज़ है जो इंटरलॉकिंग में करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं MSG और GND, ये देखें, ये भी चार पॉइंट है। तो हमें इसको शॉर्ट करना है लूपिंग कनेक्शन में, दिखा देता हूँ आपको। MSG के चार स्लॉट हैं, MSG के स्लॉट हैं, ये देख सकते हो आप, MSG के जो स्लॉट हैं ये हमने सिर्फ दोनों को शॉर्ट किया है, ये MSG और ग्राउंड, और MSG ग्राउंड, ये दो दो के स्लॉट हैं, इन दोनों को मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं, ए MSG ग्राउंड शॉर्ट कर दिया हमने, फिर MSG बी ग्राउंड शॉर्ट कर दिया बी से, बस दोनों को शॉर्ट कर करके चारों को लगा देना है। ये हमारा सब सेटअप रेडी है, ये भी रेडी है। अब सॉफ्टवेयर में देखिए क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर में जब हम ओपन करेंगे तो कंट्रोलर है अपना, कंट्रोलर पर डबल क्लिक करेंगे, सेटअप ओपन होगा, इसके अंदर ये ब्राउज का ऑप्शन है मोर का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग फर्स्ट और टू एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी एक से दो का दरवाज़ा होता है और तीन से चार का जो दरवाज़ा होता है, यानी दो डोर के इसमें सेटअप बना रखे हैं। आपको जो जिस डोर पे चाहिए उसका आप टिक मार्क करके ओके कर सकते हो, ठीक है। ओके करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपडेट करना है, डाउनलोड करना है, अपडेट और डाउनलोड। इसे करने के बाद जो आपका कार्ड होगा देखेंगे, पहला गेट खुल गया हमारा, ठीक है। अब वो अगला नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब दोबारा दिखा देता हूँ मैं, पहला गेट खुला, अब अगला जब तक नहीं खुलेगा जब तक ये बंद नहीं होगा, ये देखिए। अब ये जैसे ही बंद हुआ, अभी इसे दिखाया मैंने, तो दूसरा गेट खुल गया है मेरा, आप देख सकते हैं ये खुल गया। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे ही बंद होगा, ये दो दरवाजे हैं फर्स्ट और रीडर के, पहला इसका है। अब इसे खोलूँगा मैं, ये गेट खुल गया। अगर मैं इसी टाइम दोबारा दूसरा दिखाऊँगा तो ये गेट नहीं खुल रहा है, जब तक ये मेरा बंद नहीं होगा। ये बंद हुआ और इसे करा तब ये गेट खुल गया। दैट्स इट, बस इसमें इतनी सेटिंग करनी होती है। थैंक यू।